नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको कार के रेयर व्यू मिरर को कैसे पेंट लगाते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आप अपने खुद के कार या बाइक को स्प्रे पेंटिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रे पेंटिंग सीखने को चालू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा रेयर व्यू मिरर, इसको थोड़े स्क्रैचेस है और ये थोड़े मैं भरूँगा अभी और इसका टोटल कलर चेंज मैं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक 80 ग्रिड सैंड पेपर लेके जिधर भी मैं पट्टी भरूँगा उधर सब जगह पे सैंडिंग करूँगा 80 ग्रिड सैंड पेपर लेके, और जिधर धार है उधर अंदर तक आपको 80 ग्रिड सैंड पेपर लेके सैंडिंग करना है। तो 80 ग्रिड सैंड पेपर लेके सैंडिंग करने के बाद आपको हवा से अच्छी तरह से धूल है वो क्लीन करना है। बाद में एक पैक सॉ ग्रीस रिमूवर लेके जिधर भी आप पट्टी भरेंगे उधर अच्छी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद आपको पट्टी मिक्स करके अच्छी तरह से जिधर भी आप भरना चाहते हैं या जिधर भी डीप स्क्रैचेस है उधर आपको पट्टी भरनी है। तो पट्टी सूखने के बाद मैं इधर गाइड कोट मारूंगा, हल्का सा मैं स्प्रे मारूंगा ताकि सैंडिंग करते समय मुझे मालूम पड़े किधर हाई स्पॉट्स और किधर लो स्पॉट्स है वो। तो गाइड कोट सूखने के बाद मैं एक 80 ग्रिड सैंड पेपर लेके मेरी पट्टी जो है वो लेवल करूँगा। तो इधर मेरा पट्टी लेवलिंग करके हो गया है। अब मैं एक 150 ग्रिड सैंड पेपर लेके रेयर व्यू मिरर को सैंडिंग करूँगा। इधर मैं ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे हाई स्पॉट्स और लो स्पॉट्स किधर है वो देखने हैं। तो इधर मेरा 150 ग्रिड सैंड पेपर लेके सैंडिंग करके हो गया है। अब मैं एक 180 ग्रिड सैंड पेपर लूँगा और फिर से सैंडिंग करूँगा। ऐसे आपको सैंड पेपर पहले 80 बाद में 150 बाद में 180 करके ऊपर जाते रहना है ताकि आपके स्क्रैचेस जो है वो सब गायब हो जाए। तो इधर मेरा 180 ग्रिड सैंड पेपर लेके सैंडिंग करके हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगा 220 ग्रिड सैंड पेपर। तो ये 220 ग्रिड सैंड पेपर से सैंडिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर प्राइमर मारूंगा। तो ये 220 ग्रिड सैंड पेपर मैं हाथ से ही सैंडिंग करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ इसको स्मूथ बनाना है प्राइमर मारने के लिए, मुझे कुछ लेवल विवल नहीं करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इधर लेवल हो चुका है। तो इधर आप देख सकते हैं इसको आगे भी पेंट है, तो आगे भी आपको अच्छी तरह से ऐसे सैंडिंग करना है और आपका मिरर जो है वो आपको ऐसे पुश करके इसके अंदर भी थोड़ा सैंडिंग करना है। ये सिर्फ आपको 220 ग्रिड सैंड पेपर लेके ही करना है, बाकी सैंड पेपर से आपको इधर सैंडिंग नहीं करना है। तो सैंडिंग करके मेरा इधर हो गया है। अब मैं इसका धूल जो है वो सब निकालूंगा सैंडिंग का और वैक्स सॉ ग्रीस रिमूवर लेके इसको अच्छी तरह से क्लीन करूंगा प्राइमर मारने से पहले। तो इधर मेरे थोड़े होल्स है, वो होल्स में इधर ग्लेज पट्टी डाल के कवर अप करूंगा। तो 400 ग्रिड सैंड पेपर लेके इधर ड्राई सैंडिंग करना है और ये ग्लेज पट्टी को थोड़ी लेवल बनानी है। तो प्राइमर मारने से पहले आपको मास्किंग करना है इस मिरर को। तो इधर मेरा मास्किंग करके हो गया है। अब मैं इसको प्राइमर मारूंगा। तो ये साइड में पहले मारूंगा क्योंकि मुझे इस मिरर को अच्छी तरह से गैप में ये प्राइमर डालना है। ऐसा मिरर आपको प्रेस करके अंदर अच्छी तरह से प्राइमर भरना है।
तो इसको आधा घंटा सूखने के बाद मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा और दूसरी साइड में प्राइमर मारूंगा। तो इधर मेरा प्राइमर मार के हो गया है। अभी प्राइमर सूखने के बाद अभी मैं इधर इधर भी छोटे छोटे होल्स है वो मुझे इधर अभी दिखाई दे रहे हैं टिक टाक से, तो ये अभी मैं ग्लेस पट्टी डाल के अच्छी तरह से भरूंगा। तो अब मैं एक 400 ग्रिट सैंड पेपर लेके ग्लेस पट्टी को अच्छा लेवल बनाऊंगा। तो सैंडिंग करके इधर मेरा हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा हवा से क्लीन करूँगा और वैक्स और ग्रीस रिमूवल लेके वाइप करूँगा। तो इधर मेरा वैक्स और ग्रीस रिमूवल लेके वाइप करके हो गया है। अब मेरा सरफेस रेडी है प्राइमर मारने के लिए। फिर से इधर मैं प्राइमर मार रहा हूँ फिर से, क्योंकि इस ग्लेस पट्टी के ऊपर आप डायरेक्टली पेंट नहीं मार सकते हैं, इसीलिए आपको इसके ऊपर प्राइमर मारना ही होगा। तो पहले मैं जिधर किधर भी मैंने पट्टी लगाई है उधर पहले वो स्पॉट्स कवर करूँगा प्राइमर मार के। तो प्राइमर मार के 10 मिनट सूखने के बाद इसके ऊपर और एक मैं डार्ट कोट मारूंगा, क्योंकि मुझे इस डार्ट कोट के ऊपर गाइड कोट लगा के फिर से सैंडिंग करना है फेस कोट लगाने से पहले। तो इधर मेरा प्राइमर सूख के हो गया है। अब मैं इसके ऊपर रेड ऑक्साइड प्राइमर मारूंगा गाइड कोट जैसा, ताकि जब मैं सैंडिंग करूंगा तो अच्छा फ्लैट हो जाएगा और उसके ऊपर मैं बेस कोट मारूंगा। तो रेड ऑक्साइड प्राइमर मेरा इधर सूख गया है और इधर मैं लूँगा एक 320 ग्रिट सैंड पेपर और इसको अच्छी तरह से सैंडिंग करके फ्लैट बनाऊंगा। ये सब रेड ऑक्साइड प्राइमर बाहर निकलने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि ये अच्छा फ्लैट हो गया है। तो इधर मैं कर रहा हूँ वाटर सैंडिंग। तो इधर आप देख सकते हैं जिधर किधर भी रेड ऑक्साइड प्राइमर बाकी है वो सब लो स्पॉट्स है, तो उसको सैंडिंग करके मुझे अच्छा फ्लैट बनाना है। तो इधर मैं इस पार्ट को भी सैंडिंग करूंगा, क्योंकि ये मुझे इसके ऊपर भी बेस कोट लगाना है। सैंडिंग करके मेरा हो गया है और इधर आप देख सकते हैं कितना फ्लैट हो गया है ये मिरर। तो ये मिरर आपको अभी अच्छी तरह से पानी से थोड़ा धोना है और रेडी रखना है पेंट मारने के लिए। तो अभी मैं इसको बेस कोट मारूंगा। तो बेस कोट मारने के लिए आप इसको इधर भी हैंग भी कर सकते हैं, तो इधर मैंने हैंग किया नहीं है तो मैं डायरेक्टली हाथ में रख के ही इसको पेंट मारूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट कोट है बेस कोट का, इसको आपको हैंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये किधर भी आप रख नहीं सकते, क्योंकि इसको दोनों साइड से पेंट लगाना है। और एक चीज़ मैं इधर आपको बोलने को भूल गया कि आपको ये पेंट लगाने से पहले इसका टैकिंग करना है। तो एक कोट मेरा इधर मार के हो गया है। अब इसको 10 मिनट सूखने के बाद मैं इधर दूसरा कोट मारूँगा। अभी ये मिरर नीचे रखते समय ऐसे मैंने बॉक्स रखा है, तो इसके बॉक्स के ऊपर वो मिरर बीच में ऐसे रखता हूँ और बैलेंस करके रखा है मैंने ऐसे। तो दो कोट बेस कोट मारे मार के हो गए हैं और अब मैं इधर क्लियर कोट लगाऊंगा। और बेस कोट और क्लियर कोट लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है 1.4 टिप का स्प्रे गन। तो क्लियर कोट के भी मैं दो कोट इधर लगाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हैं मारते कैसे अच्छी शाइन आ रही है।
अभी ये क्लियर कोट 10 मिनट सूखने के बाद मैं दूसरा कोट मार रहा हूँ क्लियर कोट का, और ये क्लियर कोट मारते ही ऐसा ग्लॉस आना चाहिए, नहीं तो आपको अपना स्प्रे गन का सेटिंग चेक करना पड़ेगा। इधर आप देख सकते हैं कैसा शाइन आया है वो, तो इसको सूखने के बाद देखते हैं कैसा कैसा दिखता है वो। तो इधर आप देख सकते हैं इधर मेरा पेंट सूख के हो गया है, और इधर एचेस पे देखिए कैसा पेंट अच्छी तरह से अंदर गया है वो, ये देखिए। और इधर आप देख सकते हैं आगे का व्यू कितना अच्छा नया जैसा अभी दिख रहा है। तो ऐसे आपको अपने रियर व्यू मिरर को पेंट लगाना है, और आप देख सकते हैं नया पीस जैसा लग रहा है। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर साइड में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके मेरे सब वीडियो देख के स्प्रे पेंटिंग सीखने को चालू कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।